तो आपका एक बार दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं कि बिहार की आशा कार्यकर्ताएं जो फिर से हड़ताल पर उतर आई है अपने मानदेय को लेकर के, क्योंकि उनको लग रहा है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। तो इसी में एक वीडियो सामने में आया है जिसमें कि आशा वर्कर बहुत ही गुस्से में है और सरकार पे पूरा भरास उतार रही है। और उनका ये कहना है कि सरकार ये जो दो चार साइकिल देके आशा कार्यकर्ताओं को बहलाने की कोशिश कर रही है, तो हम इस बार बहकने वाले नहीं है। हम सड़कों पर उतर कर ऐसी धरना प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांगें जब तक पूरी नहीं कर लेते सरकार के तरफ से, तब तक हम हड़ताल नहीं तोड़ेंगे और हम अपना मानदेय लेके रहेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को ये वाला वीडियो दिखाते हैं। हम लोग मानदेय के लिए उतरे हैं। हम लोग को 25,000 रुपया मानदेय चाहिए। जो हम लोग ईमानदारी से काम करते हैं उसका हम दाम मांग रहे हैं। 1,000 रुपया तेजस्वी यादव बढ़ाए थे ना, 1,000 हम भीख मांग रहे हैं उनसे। आज भी हम कटोरा लेकर के चल जाएंगे, 5 दुआरी तो 100 रुपया 1,000 पूर जाएगा। उनसे हम भीख नहीं ना मांग रहे हैं। उनका हम काम करते हैं, केंद्र सरकार का काम करते हैं, राज्य सरकार का काम करते हैं, जच्चा बच्चा बचाने की काम करते हैं, किसी का जिंदगी बचा रहे हैं। तो क्या मेरा जिंदगी का कोई महत्व नहीं है? सरकार को अभी पता नहीं है कि लाल झंडा के बैनर तले हम लड़ रहे हैं। उनको आज पता चल जाएगा कि लाल बैनर क्या है। ये लाल झंडा जो बनी है स्कीम वर्कर के खून से बनी है, और स्कीम वर्कर आज सरकार को झुकाने की काम करेंगी। 90,000 हम आशा है, 11,000 कोरियर है, एक एक घर। अगर सरकार हम लोग को मानदेय कर दे रही है तब तो उनका कल्याण ही कल्याण है। सरकार तो आपकी बात करती है ना, महिला सशक्तिकरण की बात करती है, आशा दीदी की बात करती है। वो तो सशक्तिकरण की बात करती है, वो कर रहे हैं, हम सोच देख रहे हैं। उनका जो भी काम है, जो भी वादा करते हैं, सारा उनका काम कहाँ तक पहुँचा वो अभी बिहार से छुपा हुआ नहीं है। हम लोग कितना सुरक्षित है हम लोग को पता है, और यह देश की भी नारी जान रही है कि सशक्तिकरण आशा जो महिला पर है वो कितना सुरक्षित है। अभी आप लोग रो रहे थे, क्या मजबूरी? हम लोग का मानदेय नहीं मिल रहा है। 17 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, नीतीश सरकार की हम लोग बहाली में आए, नीतीश सरकार आज तक हम लोग को मानदेय नहीं दिए। और एक बार वो नहीं बोलते हैं न्यूज में, कहीं आसन भाषण कहीं देते हैं, कहीं बिहार की कोना में घूमते हैं, लेकिन आज तक नहीं कहे कि आशा मेरा अंग है और स्वास्थ्य विभाग का रीढ़ है। मतलब मांग आपकी राज्य सरकार की दर्जा देना चाहिए ना, राज्य सरकार का हमको दर्जा मिलना चाहिए और हम लोग का 25,000 मानदेय होना चाहिए। और ये जो प्रलोभन देते हैं सरकार कि साइकिल दे करके आशा को बहला फुसला लेना, वो अपना साइकिल रखे, अगर वैसा जरूरत होगा तो सरकार को हम अपने तरफ से उनको मोटरसाइकिल देंगे। हमको साइकिल नहीं चाहिए, हमको मानदेय चाहिए। अच्छा, अभी आपको क्या दे रही है सरकार? हमको कुछ नहीं, कुछ नहीं, भी नहीं, कुछ नहीं। ऐसे फ्री में काम करते हैं, ड्यूटी भी तो आप रात दिन नहीं देखते हैं। कुछ क्या हम रात दिन नहीं देखते हैं? रात को 24 घंटा, रात हो या दिन हो, जब बुलाया जब बुलाता है। बंधुआ मजदूर की तरह खटाया जा रहा है। सरकार का कहना है कि ये लोग बंधुआ मजदूर है, रात दिन 24 घंटा अपना काम पर बिजी रहे, स्वास्थ्य विभाग आगे ऊंचाई पर चढ़ते रहे लेकिन आशा नीचे गिर जाए। तेजस्वी भैया, बात आप लोग का कर भी करते हैं, क्या खुद क्या बात किए हैं? 1,000 रुपया भी बढ़ाए। 1,000 रुपया क्या है, भीख है? 1,000 रुपया के कोई मोल है? आप बच्चा को 1,000 रुपया दीजिए, स्कूल से घूम के आएगा, 1,000 रुपया खत्म हो जाता है। 2,500 की है, धीरे धीरे और बढ़ाएंगे। क्या धीरे धीरे, कब? जब जनाजा ऊपर जाएगा तब, जब जब मेरा जनाजा ऊपर चल जाएगा तब 25,000 रुपया बनाएंगे। क्या लगता है कि आपकी बातों को सुनी जाएगी कि धरना लगातार जारी रहेगा? यदि उनको सत्ता चलाना है तो, यदि सत्ता चलाना है तो मानदेय उनको करना पड़ेगा। यदि सत्ता नहीं चलाना है, कुर्सी पर नहीं बैठना है तो अपना उन्हीं रास्ता देखेंगे। हम लोग भी नई सरकार बनाएंगे, जो सरकार हमको रोजी रोटी देगा वो सरकार को हम लोग भूत देंगे। लेकिन सरकार तो आपके समक्ष आई थी और 1,500 रुपया बढ़ाई भी थी, 1,000 से 2,500 की थी ना? 2,500 कहाँ किए थे, है कहीं प्रूफ है? तेजस्वी यादव ट्वीट किए थे, तेजस्वी यादव ट्वीट किए थे, मुख्यमंत्री जी ट्वीट पर कुछ बोले थे, आप लोग भी तो देखे थे ना? तेजस्वी जी का कहीं कुछ है? ये झूठा वादा है, ये झूठा सरकार है, ये झूठा वादा के चलते मेरी पूरे बिहार की आशा आई है। और अभी कुछ आशा का जो है से करवा चौथ पवनी है, कुछ आशा के और कोई पार्टी फंक्शन है इसलिए नहीं आई है, लेकिन एक समय आएगा
तो अगर ये विधानसभा जो सत्र चलेगा उसमें अगर वो मानदेय नहीं करेंगे तो पूरे हम लोग अनशन पर बैठेंगे और आत्मदाह भी करेंगे पूरे बिहार के। जब काम की बारी आती है तो सरकार आपको रात को भी करवाती है, दिन को भी करवाती है, जब सैलरी की बात आती है बहुत न्यूनतम है। तो मतलब कहना चाहते हैं ना कि आप जो है से तीन बार जो ये पेंशन ले रहे हैं उस पेंशन को छोड़ दीजिए और आशा भी मानदेय लेना छोड़ देगी। आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे। अगर तीन दिन का विधानसभा है, अगर विधानसभा सत्र में हम लोग का मानदेय नहीं होगा तो हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे और कुछ ऐसा आत्मदाह करेंगे। जब घर में हमारा जगह नहीं है, जब हम दिन रात काम करते हैं 10 रुपया 20 रुपया कोई 5 रुपया मिलता है, पेट नहीं भरता है और परिवार के बच्चा रोता है, कहता है जो मम्मी ये चाहिए वो चाहिए, क्या नहीं किसी का बाल बच्चा जो है पूरे सब जगह घूमना चाहिए, हम लोग का बाल बच्चा को पेट नहीं भरना चाहिए। तो अभी आपने जो वीडियो देखा, वीडियो देख करके आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्या होता है। ये 2500 रुपये वाला मानदेय भी अभी तक कैबिनेट में पास नहीं हुआ है, उसी को लेकर के और पारितोषित मतलब प्रोत्साहन राशि को लेकर के सरकार के खिलाफ आशा वर्कर फिर से गुस्से में धरना प्रदर्शन पर उतर आई है। अब देखते हैं यहाँ का भी कहानी क्या होता है, सरकार क्या फिर से सुनती है आशा कार्यकर्ताओं की माओं को और पूरी करती है, या फिर वो 2500 रुपया ही मानदेय लागू होगा। अब कुछ भी कहना यहाँ पे गलत होगा, सिर्फ अभी इंतजार करना है। कोई भी न्यू अपडेट आएगा तो मैं उसमें वीडियो बना दूंगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में 25,000 रुपये मानदेय लिखना मत भूलना, क्योंकि इस बार का जो हड़ताल है वो 25,000 रुपये मानदेय के लिए लड़ रही है आशा वर्कर। तो फिर मिलता है कोई न्यू अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय।